मेरा नाम राशिद खान है। मेरा नाम यशेंद्र है। मेरा नाम शशांक तिवारी है। राशिद, यशेंद्र और शशांक, सिर्फ 3 महीने पहले तक भविष्य की जमकर चिंता थी साहब, और कुछ कर गुजरने की बेकरारी भी। अवसर ऐसे कहाँ मिलते हैं भला, लेकिन इनके हाथ कुछ ऐसा लगा कि ऑफ। प्रोजेक्ट पंख में अपना फॉर्म फिल किया और मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग लेके मैंने ड्रोन को फ्लाई करना, उसके बारे में असेंबलिंग, डिसेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सभी कुछ, उसके गुण और फीचर्स के बारे में जाना। और इसी स्किल के तहत मुझे मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब ऑफर आया है। और मैंने हर एक चीज़ की ट्रेनिंग ली और बेंगलोर बेस्ड कंपनी है मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने मेरा चयन किया है एज अ पायलट के रूप में। 3 माह से प्रोजेक्ट पंख के तहत यहाँ पर ट्रेनिंग सीख कर रहा हूँ, और जहाँ इसके फलस्वरूप मेरे को मल्टीप्लेक्स, उसमें मेरा एज अ पायलट चयन हुआ है। जी, सिर्फ 3 महीनों की ट्रेनिंग और करियर को मानो पंख लग गए। और यही 3 छात्र नहीं बल्कि 47 युवाओं के भविष्य को भी आकार मिल गया। और कई ऐसे भी हैं जिनको पंख लगने की तैयारी है। और हाँ, सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि छात्राएं भी बराबरी पर डटी हैं। एक छात्रा का तो भारत सरकार की स्वायत्त सहकारी संस्था इफ्को में भी महिला उद्यमी के तौर पर चयन हुआ है। इस छात्रा ने तो पीएम नरेंद्र मोदी की ड्रोन दीदी संकल्पना को साकार करके एक मिसाल कायम ही कर दी। अब इस बिटिया को एग्री ड्रोन जेनरेटर एवं परिवहन हेतु ई व्हीकल भी एकदम फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। जी, कोई चमत्कार नहीं, बिल्कुल चमत्कार नहीं, बस पीएम नरेंद्र मोदी जी की सोच, मध्य प्रदेश सरकार की ठोस भूमिका और कठिनी प्रशासन की मेहनत के चलते युवाओं का सपना मानो आसान सा हो गया। ये सब संभव हुआ प्रोजेक्ट पंख के माध्यम से। छात्र सूर्यकांत, संस्कार, आकांक्षा और अंजलि भी ट्रेंड हो चुके हैं। और देखिए ना, खुद ही ड्रोन में इस्तेमाल होने वाला सबसे जटिल उपकरण फ्लाइट कंट्रोल का निर्माण भी कर रहे हैं। शाहरुख, दिवांश, शेख राशिद अग्निशामक ड्रोन का निर्माण करने में जुटे, जिसके चलते ऊंची इमारतों में लगने वाली आग को बिना जान जोखिम में डाले नियंत्रित किया जा सकेगा। नितिन और अंशिका कृषि ड्रोन बनाने में लगे, तो ऋतुराज और विपुल डिलीवरी ड्रोन बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट पंख, जिसमें जन कल्याण एवं रोजगार निर्माण के लिए ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में इस प्रोजेक्ट को आकार दिया गया था, जिसमें 485 बच्चों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया गया। और जानकर अच्छा लगेगा कि 170 छात्र ट्रेंड भी हो चुके और भैया 47 को तो नौकरी भी मिल गई। मतलब सिर्फ बोल वचन ही नहीं था बल्कि वो ठोस कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना को आकार दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की आशाओं पर एकदम खरे भी।